नमस्कार, बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आंसू कविता के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आई तो मिस क्यारी में। देखिए, मैंने आपको किसलय के बारे में बताया था कि किसलय जो है वो प्रसाद की काव्यमय छायावाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंब है। किसलय का अभिप्राय पहले भी बताया था मैंने, मैं फिर बताती हूँ कि जो कोंपल होती है किसी भी पौधे में, जो एकदम नई पत्ती निकलती है उसको किसलय कहते हैं, जिसका कि रंग अरुणिमा लिए भी होता है, लालिमा लिए भी होता है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे मिलन से पहले या तुम्हारे मेरे जीवन में आने से पहले मानो मेरे जीवन में पतझड़ था, झाड़ खड़े थे ठूट बिना पत्तों वाले झाड़ मेरे जीवन आंगन में खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में। और मेरे जीवन की जो फुलवाड़ी थी, मेरे जीवन की जो बगिया थी वो सूखी सी थी, कोई बहार नहीं थी उसमें, कोई फूल नहीं थे, कोई पत्ते नहीं थे। किस नए नव कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में, मेरे हृदय या मेरे जीवन रूपी क्यारी में तुमने आकर नव कुसुम बिछा, मतलब नए पुष्प खिला दिए, और हर मानो हर पेड़ पर तुमने किसलय खिला दिए। किसलय बनकर माने नवांकुर बनकर, कोंपल बनकर तुम खिले और पुष्पों से तुमने मेरे इस जीवन को, इस जीवन रूपी क्यारी को आच्छादित कर दिया। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गौधूली में कौतूहल से तुम आए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, ऐसा लगता था जैसे शशि मुख माने चंद्रमा रूपी मुख पर, चांद के सुमास के समान सुंदर मुख पर घूंघट डाले हुए, आंचल में दीप छिपाए हुए। आंचल में माने अपने व्यक्तित्व से, अपने चेहरे की रोशनी से और अपने व्यक्तित्व के की दीप्ति से तुमने मानो मेरे जीवन की गौधूली, मतलब जब मेरे जीवन में गौधूली थी, गौधूली आप जानते हैं शाम के समय को कहते हैं, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, जब रात आने वाली होती है। तो कवि कहता है कि तुम मेरे जीवन की गौधूली बेला में, जब मेरे जीवन में अंधकार छाने लगा था या छाने वाला था, उस समय तुम चंद्रमा रूपी मुख पर या चांद के समान सुंदर मुख पर घूंघट डाले हुए और अपने आंचल में, अपने व्यक्तित्व रूपी आंचल में न जाने कितनी दीप्ति समेटे हुए मेरे जीवन की गौधूली बेला में, मेरे जीवन के अंधकार में जाते समय कौतूहल की तरह से, एक जिज्ञासा की तरह से मेरे जीवन में प्रवेश किया तुमने। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। घन में सुंदर बिजली सी, काले बादल, काले बादलों में बिजली, बिजली में आप देखिए एक के अंदर 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 चीजें निकलेंगी। घन में सुंदर बिजली, जैसे काले बादलों में बिजली होती है और उस बिजली में भी एक हल्के से कुछ क्षण के लिए एक चपल, मतलब द्रुत गति से एक चमक आती है और खत्म हो जाती है। चपल माने तुरंत तीव्र चमक, आप समझते हैं, काले बादल, काले बादलों में बिजली और बिजली में भी उसकी चपल चमक। आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, इसी तरह से तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों की पुतली और पुतली के अंदर एक झलक माने श्याम झलक माने एक चमक जो तुम्हें, तुमने मुझे, मुझे देखकर या तुम्हारे मन में आई होगी, तुम्हारी आंखों में आई होगी, या कि तुमने जब मुझे देखा तो तुम्हारी आंखों में जो मेरे प्रति भाव थे वो भाव उस चमक के समान थे। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवी आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवी आंखों में, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर कि एक प्रतिमा के समान थी, एक मूर्ति के समान थी, लेकिन एक सजीव मूर्ति, मूर्ति में जान नहीं होती लेकिन कवि कहता है प्रतिमा में सजीवता सी, जैसे मूर्ति साक्षात कोई खूबसूरत मूर्ति जीवंत होकर सामने आ गई हो, ऐसी तुम्हारी सौंदर्यशाली छवि, सुछवि सुंदर छवि मेरी आंखों में बस गई, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। तुम एक लकीर की तरह से, तुम एक लकीर रेखा की तरह से मेरे हृदय में सीधी धस गई और ये लाखों दूसरी लकीरों की तरह से, लाखों दूसरे दृश्यों के साथ एकदम अलग रही, माने मैं तुम्हारा एक विशेष स्थान मेरे हृदय में उसी समय बन गया जिस समय मैंने तुम्हें देखा। माना की रूप सीमा है सुंदरतव चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में।
मैं मानता हूँ कि रूप की अपनी सीमाएं, सौंदर्य सदैव नहीं रहता। रूप की अपनी सीमा होती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन हे सौंदर्यशाली मेरे प्रियतम तव चिर यौवन में, लेकिन तुम्हारी वो छवि। अब इसको समझिए, ये इंग्लिश के भी एक कवि हुए हैं जॉन कीट्स, वो भी कहते हैं कि उन्होंने भी सौंदर्य के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही। इस दो पंक्तियों को समझने के लिए आप उस दृष्टांत को समझें, या और भी इसको हम थोड़ा सा सरल समझें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसी तस्वीर को आप अगर आपके स्मृति में या आप कैमरा में कैद कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उस तस्वीर में कोई फूल है या उस तस्वीर में जो भाव है वो भाव वहाँ कैद हो जाता है, और वो तस्वीर या वो छवि, चाहे तो वो किसी कागज के टुकड़े पर हो या आपके हृदय में हो, वो हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो जाती है। वो जिस जो उस छवि में है, जो उस तस्वीर में है, वो तो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। उसकी उम्र होगी, उसके भाव बदलेंगे, सब कुछ परिवर्तित होगा, लेकिन उस क्षण विशेष का, उस पल विशेष का जो भाव है या उस पल विशेष की जो छवि है, वो हमेशा के लिए चिर हो जाती है, स्थायी हो जाती है। तो कवि कहता है कि रूप की सीमा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन तब चिर यौवन, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य की जो छवि मेरी नेत्रों में बसी हुई है वो चिर है, निरंतर है, शाश्वत हो चुकी है। वो सौंदर्य शाश्वत हो चुका है, पर समा गए थे क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे मन के निस्सीम गगन में, मेरे सीमा ही, मेरे हृदय आकाश में, मेरे हृदय के निस्सीम असीम आकाश में तुम्हारी वह चिर सौंदर्य, चिर यौवन वाली सुंदर छवि सदा के लिए बस चुकी है। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, तुम्हारा लावण्य, लावण्य बहुत ही प्यारा शब्द है। लावण्य सौंदर्य को भी नहीं कहते, लज्जा को भी नहीं कहते, लज्जा युक्त जो सौंदर्य होता है ना, जिस सौंदर्य में एक लाज होती है, उसको लावण्य कहते हैं। अक्सर नव वधु के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है। लावण्य शैल राई सा, शैल माने पर्वत, राई आप जानते हैं बहुत छोटी सी, कि तुम्हारा बेशक, कवि कहता है कि तुम्हारा सौंदर्य राई के बराबर ही होगा, लेकिन तुम्हारा लावण्य राई के बराबर होगा, लेकिन वो तुम्हारा राई बराबर जो लावण्य था वो मेरे लिए पहाड़ के बराबर, एक शैल के बराबर, पहाड़ के बराबर मुझे प्रतीत हुआ, जिस पर वारी बलिहारी, और तुम्हारे उस सौंदर्य पर मैं वारी जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी, उस कमनीय काया की, उस कोमल काया, उस कोमल छवि की जो सुषमा थी, जो आभा थी, जो सुषमा प्रकाश, ऊर्जावान प्रकाश को कहते हैं, जिसमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा रूपी जो प्रकाश होता है उसे सुषमा कहते हैं, गर्माहट जिसमें होती है। तो कहते हैं तुम्हारी कमनीयता कला की, तुम्हारी उस कमनीय छवि की जो सुषमा थी वो बहुत ही न्यारी थी, बहुत अलग थी। धन्यवाद।